हेलो, डॉक्टर चेतना टिकीवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, SMB गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा। हम पढ़ रहे हैं MA फाइनल का पेपर सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत हमने अब तक अनेक दार्शनिकों का अध्ययन किया, जिसमें प्लेटो, हीगल, कांट, क्रोजे, एरिस्टोटल, लियोनार्डो विंसी, प्रायर, वर्नर ली। इसके अतिरिक्त हमने भारतीय सिद्धांत भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें रस की व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग में आपको रस के बारे में बताया था और बताया था कि रस जो है इसका सामान्यतः चार अर्थों में प्रयोग हम करते हैं, पदार्थों का रस, आयुर्वेद का रस, साहित्य का रस और मोक्ष या मुक्ति का रस, जिसे ब्रह्मानंद या भक्ति रस भी कहा गया है। और रस सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो भरत मुनि हैं, उनका समय प्रथम शताब्दी माना है। इसके पहले तुहिन, सदाशिव, ब्रह्मा, भरतवरद, नंदकेश्वर, वासुकी आदि अनेक आचार्यों ने भी अध्ययन किया और भरत मुनि ने भाव, विभाव और संचारी के आधार पर रस की व्याख्या की और सूत्र प्रतिपादित किया, तत्र विभावानुभाव व्याभिचारिम संयोगाद्रो सह निष्पत्ति। इस आधार पर हमने भारतीय जो हमारे आचार्य रहे हैं उनका अध्ययन किया। भरत मुनि के साथ साथ हमने भट्ट लॉलट का भी अध्ययन किया और आज हम पढ़ेंगे शंकु का अनुमतिवादी सिद्धांत। शंकु का जो समय है वो 9वीं शताब्दी रहा है और इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा जाता है। अनुमितिवाद के आधार पर इन्होंने रस की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। हालांकि इन्होंने भट्ट लॉलट के उत्पत्तिवाद व आरोपवाद का खंडन भी किया है और भरत के रस सूत्र की नवीन व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की और बताया कि रस उत्पन्न नहीं होता, रस की अनुभूति होती है। अर्थात निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमिति से लिया और भट्ट लॉलट के समान ही इन्होंने भी रस की स्थिति मूल पात्रों में मानी, क्योंकि मूल पात्रों ने जिस अनुभूति का अनुभव किया वह भाव होता है। और शंकुक मानते हैं रस मूल पात्रों के भाव की अनुकृति है और अनुकरण रूप होने के कारण ही इन्होंने इसे नया नाम रस दिया। उन्होंने बताया कि सामाजिक नट नटी की अभिनय कला के कौशल से स्थायी भाव का अनुमान होता है और स्थायी भाव का अनुमान ही सामाजिकों के मन में रस बन जाता है। सामाजिक यानी कि जो हमारा सहृदय है, हमारा जो दर्शक है, उसके अंतर्गत स्थायी भाव का अनुमान जो है वो रस बन जाता है। इस प्रकार शंकुक के मतानुसार नट नटी का मूल अनुकारियों से तादात्म्य और उनके विभाव, अनुभाव, संचारी भाव द्वारा गम्य गमक या अनुभाव्य अनुभावक संबंध से रस की अनुमिति होती है। तो इस प्रकार शंकु कहते हैं कि रस जो है वो अनुमानित है। इसके साथ साथ ही शंकु ने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस को समझाने का भी प्रयास किया है। वो कहते हैं कि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर हमें जो प्रतीति होती है, प्रतीति जो कि अनुमान की संगति स्थापित करती है, यानी कि हम जिस चीज़ को देखकर किसी का अनुमान लगाते हैं वो ही प्रतीति है, वो ही अनुमान की संगति है। वो कहते हैं कि लौकिक जगत में चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध हैं। सम्यक ज्ञान, जो सत्य को समझना है, मिथ्या ज्ञान, जो सत्य है उसे सत्य नहीं समझना, संशय,
कि यह सत्य है या नहीं है। सादृश्य यह सत्य के समान है। हमें बोध इन चार आधारों पर होता है, किंतु किसी भी कला की प्रतीति या बोध इन चारों से अलग है। यानी कि कला की जो प्रतीति है, कला में हम जिस रस की व्याख्या करते हैं, वो इन चारों से भिन्न है। नाटक के पात्र को देखकर इन चारों में से हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। इन सबके भिन्न शंकुक ने चित्र तुरंग न्याय की स्थापना की, जिसके आधार पर कला की प्रतीति होती है। इसमें वे अरस्तु के समान ही महत्वपूर्ण है। अरस्तु के समान ही इन्होंने भी अनुकरण का अर्थ विस्तार करके अनुमान या कल्पना तत्व को इन्होंने विशेष महत्व दिया है और बताया कि कल्पनात्मक पुनः सृजन जो है वो ही महत्वपूर्ण है। चित्र तुरंग न्याय के आधार पर, जैसा कि भी बताया, कि जिस प्रकार घोड़े के चित्र को ही घोड़ा कह दिया जाता है और सामाजिक उसे घोड़ा मान लेता है, यानी कि दर्शक जो है उसने घोड़े का चित्र देखा और उसे वो घोड़ा मान लेता है, उसी प्रकार नायिकादि के वेश में उपस्थित नटादि को भी सहृदय नायक मान लेता है। यानी कि नट जो अभिनय कर रहा है वो दुष्यंत का कर रहा है या राम का कर रहा है, तो सहृदय जो है, दर्शक जो है, वो उस नट में नायक को मान लेता है। यानी कि अभिनेता जिसका अभिनय कर रहा होता है, जिस पात्र का अभिनय कर रहा होता है, जो मूल पात्र है सहृदय, उसे ही मूल पात्र मान लेता है। और फिर अनुमान किए गए नट में विभागादि के संयोग से नायकादि के भावों की अनुकृति संपन्न होती है। अर्थात अनुमान किए गए नट में रति आदि स्थायी भाव भी अनुमानित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार शंकुक कहते हैं, नटादि के द्वारा नायकादि के भावों की अनुकृति ही रस की निष्पत्ति है। रस की निष्पत्ति का संबंध अनुकृति से है। अनुभूति सूक्ष्म एवं अदृश्य है, सहृदय उसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकता। जिस प्रकार जीवन में किसी व्यक्ति के क्रियाकलापों से उसके आंतरिक भावों का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार नटादि के कार्यों, मुद्राओं एवं शब्दों के द्वारा उनकी अनुभूति का ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, वरन अनुमान के आधार पर आधारित होता है, क्योंकि अनुभूति का प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नहीं है। इस प्रकार सहृदय को रस रूप अनुकृति की अनुमिति होती है। इस अनुमिति से ही उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यहाँ शंकु के अनुसार अनुमान के आधार पर ही हमें रस की अनुभूति होती है और निष्पत्ति का अर्थ शंकु के मतानुसार अनुकृति है, तथा संयोग का अर्थ गम्य गमक या अनुमाप्य अनुमापक संबंध से होता है। शंकुक ने इसे त्रिकोण आधार पर समझाने का प्रयास किया, जिसमें वो इसमें तीन चीज़ें रखते हैं, अनुकार्य या पात्र, अभिनेता द्वारा उस स्थायी भाव का अनुकरण, और तीसरा है सहृदय या सामाजिक। अनुकार्य या पात्र यानी कि जो हमारा मूल पात्र है, वो अभिनेता जो नट उसका अभिनय कर रहा है मूल पात्र का, और तीसरा हो गया सहृदय या सामाजिक, जिसे कि रस की अनुभूति होती है। तो इन्होंने माना कि रस जो है वो मूल पात्रों में होता है, मूल पात्र जिसका कि अभिनेता अभिनय कर रहा होता है, नट जो है वो अभिनय कर रहा होता है। इस प्रकार उन्होंने अनुमान के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की, और उनका जो सिद्धांत है वो अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है।
और उन्होंने बताया कि घोड़े को चित्र को देखकर ही हम उसे घोड़ा मान लेते हैं। तो इस प्रकार चित्र तुरंग न्याय के आधार पर इन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया है। हालांकि इनके सिद्धांत पर अनेक आक्षेप भी लगे हैं और ये कहा गया है कि अनुमान मिथ्या होता है, यह बुद्धि की क्रिया है मन की नहीं। अनुमान से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अनुभूति नहीं। लेकिन फिर भी इनका जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अनुमितिवाद माना जाता है। आशा है आपको ये सिद्धांत समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।